आखिरकार भारत और श्रीलंका को लेकर जो गतिरोध था सीरीज को लेकर वो खत्म हो गया है और इसको लेकर बड़ी पिछले कुछ दिनों में बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई थी और आज जय शाह जो सेक्रेटरी हैं भारत के बीसीसीआई के उनकी बातचीत हुई है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से और ये तय हो गया है और कि ये दौरा होगा और ज़रूर होगा और ये बहाल रहेगा और इसकी तारीखों की भी घोषणा हुई है। हालांकि मैच दर मैच तो अभी तारीखों की घोषणा होना बाकी है लेकिन अब ये तय हो गया है कि ये दौरा 18 तारीख से शुरू होगा यानी पहला मैच जो है पहला वनडे मैच 18 तारीख को खेला जाएगा 18 जुलाई को। 18 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक का ये कार्यक्रम है। इससे पहले आपको याद होगा 13 तारीख से 25 तारीख तक का कार्यक्रम तय किया गया था लेकिन उसकी तारीखों में परिवर्तन किया गया क्योंकि वीडियो एनालिस्ट जो थे श्रीलंका के वो कोविड पॉजिटिव पाए गए और उससे पहले एक अच्छी खबर ये आई थी कि श्रीलंका के जितने भी खिलाड़ी हैं सभी खिलाड़ी नेगेटिव हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो ये एक बहुत ही सकारात्मक रुख दिखाई दिया था श्रीलंका की तरफ से। लेकिन ग्रांट फ्लावर जो उनके बैटिंग कोच हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। तो सबसे पहले तो जब श्रीलंका की टीम इंग्लैंड से लौटी तो तब भी कुछ संभावनाएं लग रही थी कि ये दौरा होगा या नहीं होगा इसको लेकर बहुत उहापोह की स्थिति थी क्योंकि ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि इंग्लैंड की टीम में सात खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ के लोग कुल मिलाकर जो है पॉजिटिव पाए गए थे जिसकी वजह से पूरी टीम आनंद फानंद में बदल दी गई। एमरजेंसी टीम कहना उसको ज़्यादा ठीक होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली और उसने भी पाकिस्तान को पहले मैच में हरा दिया। लेकिन अगर बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका की टीम जो है थोड़ी गरी सहमी तो थी और स्वाभाविक है जब आप इंग्लैंड से में सात लोग जब टीम के पॉजिटिव पाए जाते हैं और आप उससे खेलकर लौटे हैं तो उसके अगले दौरे पर अनिश्चितताओं का होना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद नेगेटिव रिपोर्ट्स आने से उम्मीदें जगी और अब वीडियो एनालिस्ट के पॉजिटिव पाए जाने से और बैटिंग कोच के पॉजिटिव पाए जाने के बाद दौरे के स्थगित करने की नौबत आ गई। लेकिन बीसीसीआई ने पूरा सहयोग किया है श्रीलंका के साथ। यहीं अगर स्थिति इंग्लैंड की होती ऑस्ट्रेलिया की होती तो निश्चित तौर पर बोरिया बिस्तर बंद करके ये टीमें लौट गई होती। आईपीएल में देख लीजिए आईपीएल में जो दूसरा पड़ाव था दूसरे पड़ाव से कितने ही खिलाड़ियों ने जो है अपने हाथ खींच लिए हैं तो इससे ये जाहिर होता है कि एशियाई टीमें पूरा सहयोग करने के लिए तैयार रहती हैं और वही सहयोग कुछ किया है श्रीलंका बोर्ड के साथ बीसीसीआई ने। तो अब जय शाह की मीटिंग हो चुकी है तय हो गया है और 18 जुलाई से 29 जुलाई तक ये दौरा होगा और 18 जुलाई को पहला वनडे मुकाबला होगा फिर तीन वनडे और फिर उसके बाद तीन T20 मुकाबले खेले जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।